So, in this video, we are going to study about motion and uh, types of motion uniform motion, non uniform motion, displacement, distance, and what are scalar quantities and vector quantities. So, first, what is motion? So, in physics, movement of any object. फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड मोशन यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम उसे क्या बोलेंगे मोशन अब ओरिजिन मीन्स रेफरेंस पॉइंट यानी जिस पॉइंट से वो मूव कर रहा है ओके सपोज इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग रिलेटिवली टू अवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है विदन अ पीरियड ऑफ स्पैन सो हम उसको क्या बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट स्टेशनरी और नॉट इन मोशन फॉर एग्जाम्पल एक कार है वो जीरो सेकेंड्स पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है जीरो मीटर आफ्टर टू सेकेंड्स उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज जीरो मिनट तो हम उस ऑब्जेक्ट uh, को या उस कार को क्या बोलेंगे द कार इज एट रेस्ट ओके नाउ

फॉर एग्जाम्पल जीरो सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है जीरो मीटर टू सेकेंड में कितना कवर किया है उसने फोर मीटर फोर सेकेंड में एट मीटर टेन सेकेंड में ट्वेल्व मीटर तो यहां पर क्या है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और उस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है सो यूनिफॉर्म मोशन इज क्लियर नेक्स्ट ग्राफ इज ऑल्सो हियर कि वन मिनट में कितना ट्रेवल कर रखा है टेन मीटर टू मिनट्स में ट्वेंटी मीटर फाइव मिनट में फिफ्टी मीटर सो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्लियर नेक्स्ट अब न्यून नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया यूनिफॉर्म मोशन का अपोजिट सो मोशन वेयर ऑब्जेक्ट कवर्स यानी कोई भी मोशन ऑब्जेक्ट कवर्स अनुअल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट यानी हम डेली अगर कार चलाते हैं या कोई भी व्हीकल चलाते हैं वो कौन सा मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म वाई बिकॉज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक बिकॉज ऑफ ऑब्स्टिकल्स रेड लाइट एंड ऑल सो यूनिफॉर्म मोशन प्रैक्टिकली कब पॉसिबल है जब एक सर्टेन कॉन्स्टेंट स्पीड हो जब ट्रैफिक ना हो जब कोई रोड लाइट ना हो बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं वे एन ऑब्जेक्ट कवर अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नेक्स्ट इज डिस्टेंस वॉट इज डिस्टेंस डिस्टेंस आप इन uh, जनरल पढ़ते भी हैं कि आपसे पूछा जाता है कितना दूर है भाई वॉट इज दूरी कितना दूरी है तो आप बोलते हो कि भाई मेरा स्कूल मेरे घर से सेवन किलोमीटर दूर है सो so डिस्टेंस क्या हो गया एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी ज कॉल्ड डिस्टेंस ऑ लेंथ ऑफ पाथ एंड इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर डिस्टेंस का ऐसा SI यूनिट क्या होता है मीटर वैसे तो हमसे अगर कोई पूछता है कि भाई कितना किलोमीटर दूर है आपका स्कूल तो आप बोलते हो कि भाई सिक्स किलोमीटर सेवन किलोमीटर बट इफ यू वांट टू आंसर इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स तो वॉट यू विल से आई ट्रेवल सेवन थाउजेंड मीटर बट डिस्टेंस किस किस में ट्रेवल होता है मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर इंचेस दैट कैन बी डन बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स जब आप आंसर लिखेंगे तो किस में लिखेंगे मीटर्स में सो डिस्टेंस इज क्लियर अब यू कैन सी इन द पिक्चर कि डिस्टेंस क्या एक्चुअल पाथ आप देखिए एक्चुअल पाथ ओके लेंथ ऑफ द पाथ नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट और इसका ऐसा यूनिट भी क्या है मीटर डिस्टेंस का ऐसा यूनिट भी मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट भी मीटर है बट डिफरेंस क्या है डिसप्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है फाइनल और इनिशियल पोजिशन का और इसमें डायरेक्शन भी है यानी इफ़ आई आस्क यू अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस क्या है तो आप बोलोगे सर सेवन किलोमीटर बट इफ आई आस्क यू डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है वो चेंज होके फाइव किलोमीटर्स हो जाए एंड फाइव किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यहां पर क्या आ गया डायरेक्शन भी इंकलकेट हो जाएगा तो जहां पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इसको समझने के लिए वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन संदीप कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस 49 मीटर इन टू मिनट्स संदीप नाम का लड़का एक सर्कुलर ट्रैक के चक्कर लगा रहा है रेडियस कितना है 49 मीटर इन टू मिनट्स सो डिस्टेंस कवर्ड इन सिक्स मिनट्स क्या होगा सबसे पहले आप क्या करेंगे अगर हम सर्कल का सर्कम निकाल लें सो दैट विल बी द डिस्टेंस तो सर्कम ऑफ सर्कल क्या होता है टू पाई आर सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा टू पाई आर सो टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू फोर्टी नाइन ओके सो दैट विल बी थ्री जीरो एट मीटर इन टू मिनट्स तो सिक्स मिनट्स में क्या हो जाएगा थ्री जीरो एट मल्टीप्लाई बाय थ्री क्योंकि हर टू मिनट्स में टू जीरो एट हर टू मिनट में थ्री जीरो एट एंड हर टू मिनट में थ्री जीरो एट तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो वॉट वी विल गेट नाइन ट्वेंटी फोर मीटर अब इसमें नेक्स्ट पूछा so है डिस्प्लेसमेंट इन सिक्स मिनट्स सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट जीरो जीरो क्यों होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आए अच्छा व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट टू मिनट टू मिनट पे भी क्या होगा जीरो होगा बिकॉज फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन आर सेम ओके नेक्स्ट वट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड वट आर वैक्टर क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इन एंड इट हैज नो डायरेक्शन यानी कि हाइट अगर मैं आपसे पूछू व्हाट इज योर हाइट तो यू विल से कि सर माय हाइट इज सिक्स फीट और फाइव फीट और फोर फीट तो अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या आपका हाइट इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा कैसा रहेगा सेम रहेगा सो दट आर स्केलर क्वांटिटी विच आर रेक्शन डिपेंडेंट ओके अब डिस्टेंस अब मान लीजिए आपके घर से लेके आपके स्कूल का डिस्टेंस है सेवन किलोमीटर तो वह सेवन किलोमीटर ही रहेगा इसमें डिस्टेंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ओके नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन यानी यह डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है जैसे डिस्प्लेसमेंट अब डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन तो अगर आपको वो ग्राफ याद हो तो उसमें क्या समझ आ रहा है उस डायग्राम में हमें डाय समझ आ रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमें किसकी जरूरत होती है डायरेक्शन की जरूरत होती है इन जनरल टर्म्स में मास अगर मैं आपसे आपका मास पूछूं व्हाट इज योर मास तो आप बोलोगे इतना के जी ओके okay. क्या ये चेंज हो जाएगा डायरेक्शन पे कि सपोज अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या आपका जो मास है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा आप बोलेंगे सर सेम रहेगा सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायरेक्शन पे डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आएगी या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस इट कैन नेवर बी जीरो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा इट कैन नेवर बी नेगेटिव एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ओके इट कैन बी जीरो इट कैन बी नेगेटिव ओके इट इज अ वैक्टर क्वांटिटी एंड इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस सो डिफरेंस इज क्लियर डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय बॉडी ओके डिस्टेंस जीरो नहीं होगा नेगेटिव नहीं होगा और ये स्केलर क्वांटिटी है सो आई होप नाउ यू आर एबल टू एक्सप्लेन अदर्स वॉट इज मोशन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी एंड वैक्टर क्वांटिटी सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड यस हैप्पी लर्निंग Thank you so much.